बाबा 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 वेलकम टू माय चैनल एडहोलिक ब्लॉग। सुप्रभात। टाइम हो रहा है 10:40 हो रहा है और अभी आपको सुप्रभात बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, फालतू मैसेजेस बहुत आते रहते हैं, बिग बाज़ार ये वो, इतना लेट तो उठना नहीं चाहिए पर फिर भी क्या कर सकते। तो रात को वो वीडियो अपलोड कर रहा था, अगर आप नहीं देखे माइलेज टेस्ट का दूसरा वाला, माइलेज टेस्ट नहीं देखे तो जाके देख लो चैनल पे एडहोलिक ब्लॉग्स। तो क्या है आज का ब्लॉग, थोड़ा बहुत लाइफस्टाइल पे है। लाइफस्टाइल मतलब हेयर ग्रूमिंग या हेयर ग्रोथ कुछ भी बोल लो। अगर आपको ख़तरनाक वाला डैंड्रफ है या डैंड्रफ से आपको बहुत सारे तकलीफ़ें हो रहे हैं, ये ब्लॉग से आपको थोड़ा बहुत कुछ मदद हो सकता है। क्योंकि क्या है, इसमें एक नुस्खा बताता हूँ मैं, तो उससे क्या है डैंड्रफ वो अगर हफ्ते में एक एक बार 4-5 हफ्ते लगाओगे तो डैंड्रफ एकदम मिट जाएगा। मोस्टली सब लोगों का ही चला जाता है क्योंकि वो क्या है ना, नेचुरल रेमेडी है, ऐसा कोई केमिकल ये वो फालतू चीज़ें कुछ नहीं है। तो इसमें मेन क्या है, मेन है ऑनियन। देखो बताता हूँ क्या सीन है, ऑनियन लेने का, ऑनियन को काटने का, ऑनियन को मिक्सी में डालने का, ऑनियन का जूस निकालने का, डायरेक्ट क्या है एक वाटी मतलब क्या छोटा सा कटोरा या कुछ भी, उसमें डायरेक्ट मिक्सी करके छन्नी से उसका जो जूस रहता है वो निकाल लो, फिर एक कॉटन लो, कॉटन पीस उसमें डुबा के ऐसे ऐसे डायरेक्ट रूट्स पे लगा लो। रूट्स पे लगा के क्या है, आप एक 20-25 मिनट बैठो, बाल सख्त हो जाएंगे, एकदम हार्ड हो जाएंगे, टेंशन मत लो कुछ नहीं होता, हार्ड हो जाएंगे। बाद में क्या है, शैम्पू कर लो 20-30 मिनट्स के बाद, या फिर 15-20 मिनट्स रख के भी शैम्पू कर सकते हो आप। देखो इसमें एडवांटेज क्या है, डैंड्रफ मिट जाएगा, और डिसएडवांटेज क्या है, स्मेल आएगा। अब ऑनियन लगा रहे हो स्मेल ना आया, ऐसा हो नहीं सकता। बाबा लोग हाल अभी कुछ ऐसा है, इसको 15-20 मिनट तक रखने का, फिर नहा धो के तैयार हो गए 60-60 एकदम चमकते बाल। अभी देखो ट्रांजिशन के बाद देखो बाबा लोग एकदम फुल सिल्की बाल, मज़ेदार, मज़ा आ गया, लगा गया अलग ही फील होता है वो ऑनियन पेस्ट लगाने के बाद, ऑनियन पेस्ट या ऑनियन जूस, यू कैन कॉल इट एनीथिंग यू वांट। और क्या है, आपको एक चीज़ दिखाना भूल गया, चीज़ क्या है पता है, पांडा पे कर दिया थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन, बहुत लाइट सा है, क्या है उसके इंडिकेटर बदल दिया, KTM या RS 200 के इंडिकेटर उस पर लगा दिया हूँ, आपको दिखा देता हूँ एक बार। इंडिकेटर्स एकदम अलग लेवल के सेक्सी लग रहे, पर उसमें एक दिक्कत ये है कि सिर्फ पीछे वाले इंडिकेटर बदला, आगे के मिले नहीं, दो ही पीस थे, आगे के वही पुराने वाले इंडिकेटर है सिर्फ पीछे के बदले, और दो पीस अगर अवेलेबल हो जाएंगे तो आगे के भी बदल दूंगा। एक्चुअली क्या है, इंडिकेटर है 550 पर पीस, मतलब 550 रुपये एक इंडिकेटर का। एक लीवर भी था मेरे पास, ब्रेक और क्लच का लीवर, वो बदलने का कोशिश किया मॉक्सी लीवर का, पर वो हुआ नहीं, क्या पता क्या प्रॉब्लम है, डिस्क अपने आप पकड़ने लग जाता, मतलब ब्रेक पूरा अपने आप एंगेज हो जाता है, क्या कुछ तो प्रॉब्लम है वो BS6 का, उतना आइडिया नहीं है, उसका कुछ सोल्यूशन मिलेगा तो बताएंगे ज़रूर। आज का क्या है, एकदम छोटा सा व्लॉग था, सिर्फ वो बालों के लिए ही बनाया है व्लॉग। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू हिट दैट लाइक बटन, नए हो चैनल में घंटी दबाओ, सब्सक्राइब करो, मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत जल्द, पीस पावा लोग।